देखिए ये सवाल मेरे पास बहुत आ रहे हैं कि आपने खून से पेंटिंग क्यों बनाई। तो ये पेंटिंग मैंने खून से इसलिए बनाई कि जब मैंने ये मूवी देखी, जब मेरी बेटी ने मुझे बताया कि मम्मा बहुत अच्छी पिक्चर है द कश्मीर फाइल, तो प्लीज आप देखिए। तो मैंने कहा ठीक है बेटा। जब मैंने ये देखी तो मतलब पिक्चर देख के मैं इतनी आत्मविभोर हो गई कि हर एक सीन देख के मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे कि इतना कुछ अपने देश में हुआ है और हमको पता भी नहीं है, इतना कुछ कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ है और हम लोगों को कोई नॉलेज नहीं थी। तो ये सीन सारे जब मैंने देखे तो मेरे मन में विचार आया, जैसा कि मैंने बोला हुआ है कि मैं एक आर्टिस्ट हूँ और आर्टिस्ट लोग बहुत इमोशनल होते हैं और मैं बहुत इमोशनल हूँ, मतलब कुछ भी चीज़ देख के जरा मैं रोना आने लगता है मेरे को। तो मैंने डिसाइड किया कि नहीं, अब जो मैं वीडियो बनाऊंगी वो मैं अपने ब्लड से बनाऊंगी। जैसा कि लोग बोल रहे हैं कि आप खून बर्बाद कर रही हो और आप इसको डोनेट करती तो ज्यादा अच्छा होता, तो मैं सबको एक ही बात बोलूंगी कि जब जिंदगी में मेरे पास ऐसा मौका आएगा किसी की लाइफ बचाने का, तो मैं डेफिनेटली तत्पर रहूंगी अपना खून का एक एक कतरा देने के लिए।